सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से पटना वाके उनके घर पर पूछताछ की। तो आज इसी मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए सीबीआई टीम पंडारा रोड वाके मीसा भारती के घर पहुंची। कबल रोज ही साबिक रेल मंत्री लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया गया था। इस बारे में अफसरान ने बीते दिन ही जानकारी दी थी। सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। वहीं इस पूछताछ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब याद रखा जाएगा। समय में बदलाव होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी की इत्तेहाद वाली सरकार की हलफनामा तकरीब हुई। सबसे पहले कॉनराड संगमा ने सीएम पद का हलफ लिया। इसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दीगर नेताओं को शपथ दिलाई गई। प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी पहुंचे। शिलोंग वाके राजभवन में ये हलफनामा तकरीब मुनक्किद हुई। प्रेस्टोन टिन सोंग और एस धर ने मेघालय के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लिया। आपको बता दें कि मेघालय की नई कैबिनेट में एनपीपी के 8 वजीर होंगे। वहीं यूडीपी के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बीजेपी और एचएसपीडीपी को एक एक मंत्री पद मिलेगा। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार रियासत के वजीर आला ओहदे की शपथ ली। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन ने नेफ्यू रियो को सीएम पद का हलफ दिलाया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। सीएम रियो के अलावा तदितुई रंगकरको, जेलियांग और यान थुंगो पैटल ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिल्ली जल बोर्ड के डिप्टी सदर और आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज हरियाणा में यमुना का पानी रोकने और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर दिल्ली की तरफ छोड़ने का इल्जाम लगाया। दिल्ली जल बोर्ड के डिप्टी सदर और आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज हरियाणा पर यमुना का पानी रोकने और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर दिल्ली की तरफ छोड़ने का इल्जाम लगाया है। प्रेजेंटेशन के दौरान हालात दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के मेमरपुर सोनीपत में रेत माफियाओं ने यमुना पर रेत का पुल बनाकर दिल्ली में आता हुआ सारा पानी रोक दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पानीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर दिल्ली में छोड़ा गया है। आज जिस संकट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये संकट पूरी दिल्ली के ऊपर एक संकट है और इसके अंदर चाहे केंद्र सरकार के दफ्तर हों, चाहे देश की संसद हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे एलजी हाउस हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, सब पे ये संकट है। और ये संकट इतना विकट है कि जो हालात यमुना के पिछले साल मई में हुए थे, वो हालात इस साल फरवरी 23 से देखने को मिल रहे हैं। मतलब फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, मतलब 3 महीने पहले वो स्थिति है यमुना की, जो पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बड़ी मीटिंग रखी इसी चीज पे कि जो गर्मी आ रही है देश में, वो भी अभूतपूर्व तरीके की गर्मी आ रही है, संकट बड़ा है। मगर ये संकट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये गर्मी की वजह से नहीं है। ये संकट गर्मियों के आने में आने के बाद इतना बढ़ जाएगा कि फिर इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब लोगों की मदद मैंने मांगी है। इस वक्त जो ये पानी आप देख रहे हैं यमुना में, इसका लेवल होना चाहिए 674.5, यानी कि करीब करीब 3.5 फुट गहरी यमुना यहां होनी चाहिए। जो मैं लेवल बताता हूं, ये सी लेवल है, तो करीब 3.5 फुट की गहराई जो है यमुना की होनी चाहिए, जिसमें हम यहां से पानी उठा लें और हमारे वजीराबाद और चंद्रावल के प्लांट जो है इस पर चल पाए। इस वक्त जो यहां पे लेवल है वो है 671.7, यानी कि 1 फुट गहरी भी यमुना यहां पे नहीं बची है। 671 पॉइंट तक तो हमारी सिल्टी है और 671.7 जो है यमुना है, 1 फुट गहरी भी यमुना नहीं बची। और ये पानी भी जो आप देख पा रहे हैं, इसके रंग से भी आपको पता चल रहा होगा, और इसको हम रोज टेस्ट करते हैं, हर 2 घंटे में इस पानी को हम टेस्ट करते हैं, ये पानी भी यमुना का नहीं है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया,
यमुना का पानी तो ताजे वाला से जैसे यमुना छूटी है उसके बाद यमुना नगर से लेकर करीब 7-8 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच में जगह जगह रेती माफिया ने इस यमुना को रोक रखा है, इसके ऊपर बंद बना रखे हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे भाई यमुना को अगर रोक रखा है तो ये पानी कहां से आया? ये दो नालों का पानी है, DD-8 और DD-2। ये दो नाले हैं जिनका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, रासायनिक पानी जो है, वो यहां पे आ रहा है। इसलिए इसके अंदर अमोनिया इतना हाई है कि इसको साफ भी नहीं किया जा सकता। तो ये पानी दिख तो रहा है मगर इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से हर साल कई भारतीय विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो गलत तरीके से इन लोगों को फंसाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पंजाब और हिमाचल के कुछ नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर पहले दुबई भेजा गया, फिर वहां से लीबिया, जहां इन लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। वहीं मामले की संजीदगी को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जरिए लीबिया में फंसे 12 हिंदुस्तानियों को महफूज अपने वतन भारत लाया गया। जो लोकल वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को इनके परिवारों ने उनसे बात की थी, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने से हमने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में बात की और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ट्यूनीशिया में हमारे जो एम्बेसी है उसको जिम्मेवारी लगाई, क्योंकि लीबिया में हमारा मिशन नहीं है, तो उनकी द्वारा हम इनको सेव कर सके, सिक्योर कर सके, इनकी सहायता कर सके, इनको पैसे दे सके, इनको भोजन दे सके, इनको सुरक्षा दे सके और इनको वापस ला सके। सर, हिंदुस्तान में कई ऐसे मामले चल रहे हैं जहां पर इस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है और उन्हें मतलब इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आगे कमीशन या मंत्रालय की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? देखो, हम जरूर एडवाइजरी भेजेंगे सारी स्टेट्स को कि इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए और जो लोग ये गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड अखिलियती कमीशन के साबिक चेयरमैन और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गुलफाम मुजीबी ने रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। रांची में तहजीब टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की कयादत वाली JMM, कांग्रेस और RJD की हुकूमत तमाम मोर्चे पर अब तक नाकाम साबित हुई है। गुलफाम मुजीबी ने यह भी इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के जरिए अकलियत तबकों, बिलखसूस मुस्लिम अकलियत को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को सरासर नाइंसाफी से ताबीर किया है। गुलफाम मुजीबी ने रियासती हुकूमत से गुजारिश की है कि अपने बकिया मुद्दत में अपने वादे के मुताबिक अकलियती तबकों की तरक्की के लिए कदम उठाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तो कोई आज बात भी नहीं हो रही है, ना कोई याद करता है इसको कि क्या प्रोग्राम है। और जहाँ तक इस हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। कुछ सेंटिमेंटल इश्यूज को टच किया है ज़रूर, जैसे 1932 का खतियान को लागू करके एक ख़ास तबके को जो है वो सेंटिमेंटली जो है, इमोशनली जो है उसको चार्ज किया है, समझिए। अब इसका अंजाम कहाँ तक होगा, इसमें आप जानते हैं कि कई कानूनी पहलू ऐसे हैं कि कहाँ जा कर रुकेगा और क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरी बात, चूँकि मैं झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, तो उस लिहाज से मैं गौर करता हूँ कि एक तो माइनॉरिटी कमीशन बनाया नहीं इन्होंने अभी तक, अब एक साल डेढ़ साल की हुकूमत रह गई है और अभी तक इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा है, बन जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि बने। और जो अब जिसे बजट आया, अभी हाल में बजट आया झारखंड सरकार का और इससे पहले भी आया, उसमें कहीं पर माइनॉरिटी और या मुस्लिम बोल के कहीं पर कोई लगता ही नहीं है कि ये भी एक कौम है, ये भी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है बहुत इम्पोर्टेंट, जो 14% 15% यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है यहाँ के पॉपुलेशन को, उसका भी प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। ऐसी कोई कोई मूवमेंट ऐसा और ऐसी कोई लगन, कोई नीयत जो है नज़र नहीं आ रही है साफ तौर पर, जिससे मुसलमानों को या नॉट ओनली मुस्लिम्स, हम जनरल जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी में
मुस्लिम भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं और सिख भी आ जाते हैं। वो पहले ही से सामाजिक तौर पर, इक्तसादी तौर पर, माली तौर पर और तालीमी तौर पर ये पहले ही से पसमानदा है। तो अब ये मैं कह रहा हूँ और ये 15% के करीब इसकी आबादी है, तो सरकार को ये चाहिए कि ये सेक्शन जो है ये बिल्कुल छूट नहीं जाए, इनके भी बढ़ने का, इनके भी तरक्की करने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसी कोई नियत, ऐसी कोई पहल जो है अभी तक तो नज़र नहीं आई। कल मनाए जाने वाली होली का जश्न शुरू हो गया है। इसी जमन में लखनऊ के चौक इलाके में होली यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी लीडर दिनेश शर्मा शामिल रहे। इनके अलावा कई दीगर बीजेपी लीडरान इस यात्रा में शरीक हुए। वहीं मुस्लिम तबके के कई इलाकाई नेताओं ने भी इस यात्रा में शामिल होकर भाईचारे और कौमी यकजहती का पैगाम आम किया। सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। आज़ादी की दास्तान कही जा रही फिल्म 16 अगस्त 1947 के बनाने वालों ने फिल्म के नए पोस्टर और 7 अप्रैल को इसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज का ऐलान कर दिया है। पोस्ट देशभक्ति की ताकत और भावना का जश्न मनाते हुए फिल्म के अहम कलाकारों और उस दौर के मंजर को दिखाता है। गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्में देने वाले A.R. मुरुगो दोस की नई फिल्म हमारी आज़ादी की एक अनदेखी और अनसुनी कहानी बताती है। A.R. ओम प्रकाश भट्ट और नरसी राम चौधरी के साथ मिलकर A.R. मुरुगोदस ने इस फिल्म को बनाया है। फिल्म तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी जबान में पूरे मुल्क में एक साथ रिलीज होगी।